नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार सोनी। आप देख रहे हैं पोल पोल पोस्ट। इस समय हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सिंगरौली रेलवे स्टेशन के कोलयाट पे। यहां पर महावीर नामक कंपनी का कोयला लोड करवाया जा रहा है मजदूरों के द्वारा रैक पे ऊपर चढ़वा कर, जबकि इन लेबरों का इंश्योरेंस भी नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर आपको बताते चले कि यह पूरी तरह से अवैध है, जबकि इसमें नियम है कि जो भी रैक में कोयला लोडिंग होगा डोजर के माध्यम से ही होगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे पीछे आप देख सकते हैं रेक लगा हुआ है, कोयले का लोडिंग हो रहा है। और इस साइड में जो है ये दुधीचुआ का कोयला है, दुधीचुआ कोयला है, हाँ ये दुधीचुआ कोयला पड़ा हुआ है। आइए हम इसी विषय में कुछ मजदूरों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इंश्योरेंस है कि नहीं। यह मजदूर हैं जो लोड कर रहे हैं, अरे करता और क्या करेंगे, अब आए हैं तो दिखाइए देते हैं। ये क्या निकाले अभी वहाँ से? बोल्डर है, पत्थर वाला। हाँ हाँ, तो सीधे ले लो, पीछे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे यहाँ पे ठीक है, जो लेबर है किस प्रकार से कोयला लोडिंग कर रहे हैं ऊपर रैक के ऊपर चढ़ के, जबकि यह पूरी तरह से अवैध है। यह नियम में नहीं है कि कोई भी लेबर रैक के ऊपर चढ़कर कोयला लोड करेगा। और कंपनी कितना बड़ा घोटालेबाज है आपको देखने को सामने मिल जाएगा। ये देखिए बड़े बड़े बोल्डर जो हैं अवैध तरीके से हर रैक में लोड है, जबकि यह नियम के खिलाफ है। अगर सूत्रों की माने तो यह बोल्डर भी लगता है कि ये अलग से मंगाया जाता है यहाँ पे रेक पे लोड करने के लिए। बहरहाल सारे मुद्दों को हम एक किनारे रखते हैं और इनसे बात करते हैं। आइए थोड़ा इधर आइए, सामने आइए, यहाँ आइए, यहाँ यहाँ आइए, यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। पूरा नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद बैगा। पिताजी का? श्री बाबूलाल। घर कहाँ पे है? ग्राम लतान। यहाँ कब से काम कर रहे हैं आप? यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, आज आए हैं, दो चार दिन छुट्टी लिए थे। हाँ, कितना मिलता है आपको रोज? इसमें डिब्बे में मिलता है हम लोग। कितना? 80 रुपये डिब्बा। 80 रुपये डिब्बे मिलता है। कुल कितने लेबर काम करते हैं? यहाँ लगभग 14-15 लेबर है। इंश्योरेंस वगैरह है आपका? नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार से लेबर ऊपर कोयला लोड कर रहे थे रेक पे, जो अवैध तो है ही है। बहरहाल इनके इंश्योरेंस का व्यवस्था नहीं है, अगर कभी कोई जीवन के अगर हादसा हो जाता है तो इनके पीछे जो इनका परिवार है वो कैसे पालन पोषण करेंगे, कौन करेगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा, यह नहीं मालूम। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेलवे के जो RPF GRPF और प्रबंधन है मूक बनकर बैठे हुए हैं। अब क्यों बने हैं यह सब जानती है जनता। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो NGT पे भी प्रश्न उठता है, जिस तरह से यहाँ पे धूल उड़ता है और जो यहाँ का डस्ट जो उड़कर पूरे मार्केट में उड़कर जाता है उसको देखने वाला कोई नहीं है। अगर NGT अगर यहाँ आकर सर्वे करे तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। बहरहाल आप देख सकते हैं पूरा कोयलयार्ड है और यहाँ पे आग भी लगा हुआ है कोयले में। और ये हम आपको और बताते चलते हैं एक चीज़ और आपको ध्यान करवाने वाली बात है गौर। यह कोयला ऊपर जो चढ़कर लोड कर रहे हैं इनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया, ना इनको मास्क दिया गया है, ना कोई जैकेट है इनके पास। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह कोयला लोड कर रहे हैं। चलिए फिर नई खबरों के साथ, नए अपडेट के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। साथ ही हमारे समाचार को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव निरंतर देते रहें जिससे हम और समाचार में सुधार कर सके। समाचार देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। हमारे चैनल पोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट आपको मिलती रहे।